राजेंद्र अपने हाथों में चाय का प्याला लेते ही अपनी पत्नी की तरफ देखा तो उसकी पत्नी रंजना कुछ सोच में दिख रही थी। रंजना को सोचते हुए देखकर राजेंद्र ने कहा कि क्या सोच रही हो। तब रंजना बात को टालते हुए रंजना ने कहा कुछ खास नहीं। फिर राजेंद्र ने रंजना को बताया कि अब कुछ साल और रह गए हैं अब रिटायर होने में। यह बात रंजना ने सुनते ही पूछा कि कितने साल बचे हैं रिटायरमेंट में। तो राजेंद्र ने कहा कि यही कुछ 3 साल। फिर राजेंद्र बोला बस 3 साल बाद अब काम से छुट्टी ही मिल जाएगी। रंजना को सोचते हुए किचन में चली गई और नाश्ता तैयार करने लग गई। नाश्ता बनाते समय रंजना कुछ सोच रही थी कि अब वह दिन नहीं रहेंगे, बस सारा काम ही मुझे ही करना पड़ेगा और पति देव घर पर ही रहेंगे। घर पर रहेंगे तो काम ज़्यादा रहेगा। बार बार की सोच, जब कोई व्यक्ति खाली होता है तो ज़्यादा ही सोचता है। थोड़ी देर बाद राजेंद्र जी किचन में आ जाते हैं और पूछते हैं रंजना क्या सोच रही हो। तो रंजना राजेंद्र के बातों को पर ध्यान नहीं दिया, वह अपनी ही सोच में डूबी हुई थी। फिर राजेंद्र ने पूछा मैं देख रहा हूँ रंजना तुम कुछ सोच रही हो। तब रंजना ने कहा कि बहुत ही जल्दी वो दिन बीत गए, अब ऐसा लगता है कि अभी अभी की बात है। 2 साल बाद आप रिटायर हो जाओगे, फिर बच्चे भी आज पढ़ ही रहे हैं। इस पर राजेंद्र ने कहा कि इसमें सोचने की क्या ज़रूरत है, यह तो होना ही था, जो होना था वह तो होकर ही रहेगा। तब रंजना कुछ सोचते हुए कहती है कि नहीं, अगर थोड़ा और समय बढ़ जाता तो और भी अच्छा होता, हम शायद अपना भी एक घर ले लेते और फिर कब तक एक किराए के घर में रहेंगे। तो राजेंद्र कहता है कि छोड़ो इस बात को, चलो कुछ नाश्ते में अच्छा सा बना दो, फिर मुझे भी काम पर जाना है। रंजना जल्दी जल्दी खाना तैयार करने लगी और फिर राजेंद्र नाश्ता करके अपने ऑफिस चले गए। रंजना काम करते करते वही सब सोच रही थी कि अब कुछ दिन बाद सब बदल जाएगा, राजेंद्र घर पर ही रहेंगे और बच्चे भी अभी पढ़ रहे हैं। पहले नौकर काम कर देते थे लेकिन अब सब बदलने के बाद सब काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा। रंजना सोच रही थी कि अगर बच्चे जल्दी कुछ बन जाते तो ज़्यादा अच्छा होता, उनका रिटायरमेंट भी नज़दीक आ रही है और बच्चे भी अभी पढ़ रहे हैं, फिर घर की जिम्मेदारी और घर का खर्च कैसे चलेगा। जब सभी लोग घर में रहेंगे तो घर का खर्च भी बढ़ेगा। यही सोचते सोचते रंजना अपना काम कर रही थी और याद कर रही थी वह दिन कि जब जब पहली बार वह दुल्हन बनकर घर आई थी, क्या दिन थे वह। आज समय बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है, उम्र भी बढ़ गई है, अब वह दिन कहाँ, ना शरीर में वह ताकत जिससे सारा काम बहुत तेज़ी से हो जाता था। जब राजेंद्र रिटायर हो जाएंगे तो दिन भी अब ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे, एक कमाई का जरिया भी था वह भी अब बंद हो जाएगा, सब कुछ हाथ बांध कर करना होगा। फिर शाम होते ही राजेंद्र घर पर आते हैं और रंजना को देखकर कहते हैं ये आज लगता है पूरे दिन सोच में डूबी है, मुझे ऐसा लगता है कि रिटायरमेंट की बात कहीं तुमको अभी बताकर मैंने कोई गलती कर दी है, क्योंकि तुम उसके बारे में ज़्यादा सोचने लगी हो। रंजना ने जैसे ही सुना तो कहा कि ऐसा नहीं है, मैंने तो बस यही सोचा था कि बच्चे कुछ बन जाते तब तक आपकी जॉब भी रहती तो कितना अच्छा होता, अब जैसे भगवान की मर्जी, जो भगवान चाहते हैं होता तो वही है,
पर इंसान कोशिश करना नहीं छोड़ता है। बस यही एक इंसान की पहचान है। हम पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं पर फल तो भगवान ही देते हैं। राजेंद्र ने कहा कि छोड़ो इस बात को और तुम एक कप चाय पिला दो। फिर रंजना सोचते सोचते किचन में चली गई और चाय बनाने लग गई। रंजना का चेहरा देखकर अब राजेंद्र भी सोच में पड़ने लगा था। वह भी सोच रहा था कि रंजना शायद सच कर रही है। जीवन में मुश्किल आती रहती है लेकिन जीवन को तो चलना है, उसका काम ही चलना है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन जीवन को अच्छा बनाना हमारे हाथ में होता है। सब कुछ तो हम कर नहीं सकते हैं लेकिन जितना कर सकते हैं हमें वह करना चाहिए। आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।